जितने चर्चित फिल्मों के हीरो हीरोइन भी नहीं रहते हैं, उससे ज़्यादा चर्चा में बागेश्वर धाम के महाराज रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बागेश्वर धाम के महाराज के बारे में, महाराज जी का शुरुआती जीवन किस प्रकार से रहा, और साथ ही ये भी जानेंगे कि बाबा कैसे किसी अनजान व्यक्ति के बारे में पर्चे पर लिख कर बता देते हैं। बाबा के दरबार में सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। महाराज जी उन्हीं सैकड़ों लोगों में से किसी भी एक व्यक्ति का नाम लेकर उन्हें बुलाते हैं। वह व्यक्ति जब तक बाबा जी के पास पहुंचता है, तब तक बाबा जी पर्चे पर उस व्यक्ति की सारी समस्या और उसका समाधान लिख देते हैं, और इसी कारण महाराज जी के चर्चे सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं। कई बार मीडिया वालों ने भी महाराज जी से पूछा कि आप कैसे किसी अनजान व्यक्ति के बारे में सब कुछ पर्चे पर लिख देते हैं, तो महाराज जी ने हर बार एक ही जवाब दिया कि यह सब बालाजी महाराज की कृपा है। बात करें महाराज जी के शुरुआती जीवन की, बागेश्वर धाम महाराज के नाम से प्रसिद्ध महाराज जी का रियल नेम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। महाराज जी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्वयं अपने दरबार में बताया कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। इनके पिताजी गांव में दीक्षा मांगकर भरण पोषण करते थे। बात करें इनके परिवार के बारे में, तो इनके पिताजी का नाम रामकरपाल गर्ग और माताजी का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। महाराज जी के दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग था। वे भी एक सिद्ध संत थे। वे भी महाराज जी की तरह दरबार लगाया करते थे। बताया जाता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक की पढ़ाई अपने ही गांव में पूरी की। इसके बाद वे पढ़ाई के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य दरबार लगाने की अनुभूति का एहसास होने लगा, और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए उनके दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। अब जान लेते हैं कि बागेश्वर धाम क्या है और वहाँ पर अर्जी कैसे लगाई जाती है। छतरपुर के पास गढ़ा में बागेश्वर धाम है, जहाँ पर बालाजी का मंदिर है, और बालाजी के मंदिर के सामने ही महादेव जी का मंदिर भी है। मंदिर के पास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी का समाधि स्थल भी है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं, और मंदिर की राम नाम जप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है, जहाँ पर लाखों संख्या में लोग आते हैं। आपका बागेश्वर धाम महाराज के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में अवश्य बताएँ। साथ ही आप उनके एक भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।